नमः शिवाय। आज मैं आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि मेरे उत्तर आपके ज्ञान की जिज्ञासा को संतुष्ट करने में सक्षम होंगे। किसी ने प्रश्न किया है कि वजन कम करने के लिए स्वर्विज्ञान स्वर्योग किस प्रकार से लाभकारी हो सकता है, तो आप सूर्य स्वर के जागृत रहते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें तो आपको लाभ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो और एक मित्र हैं हरिकेश्वर जी, उन्होंने पूछा है कि अगर सुषुम्ना जागृत ना हो तो क्या संकल्प सिद्ध होगा, तो उनका जवाब भी दे देता हूँ कि अगर दूध गर्म ही ना हो तो क्या खीर बन पाएगी, उसमें आप चावल भी डाल दो और चीनी भी डाल दो और सब कुछ डाल दो जो आप डालना चाहते हैं, लेकिन अगर बर्तन के नीचे अग्नि नहीं होगी, बर्तन गर्म नहीं होगा, दूध गर्म नहीं होगा, तो क्या खीर बन जाएगी, उसका जवाब है नहीं। तो सुषुम्ना के रहते हुए जो आप संकल्प करेंगे उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, अधिक होगा, गहन होगा। ये प्रश्न नहीं है लेकिन एक कमेंट है, एक मैंने बताया था एक बार आपको कि ओम का उच्चारण कैसे करते हैं, तो एक मित्र ने लिखा है कि बिना होठों को मिलाए ओम का उच्चारण हो ही नहीं सकता। आप शायद भाषा की बात कर रहे होंगे, आप शब्द की बात कर रहे होंगे। हाँ, अगर शब्द में आप कहना चाहें तो ओ एम जब आप ओम भी लिखेंगे और हिंदी में भी लिखेंगे तो माँ तो आ ही जाएगा, एम का प्रयोग तो होगा ही, मकार का प्रयोग होगा ही, लेकिन मैं तो भाषा का ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो व्याकरण का ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने तो बात की थी ध्वनि की, कि ओम की आध्यात्मिक महत्ता क्या है, उसकी स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस क्या है, उसके अनुसार आप किस प्रकार से एक ओम का जाप करने से आप लाभ ले सकते हैं। एक मित्र ने प्रश्न किया है कि जब हमें कोई स्थान उपलब्ध ना हो लेटने के लिए, जैसे कहीं ऑफिस में बैठे हैं या किसी और जगह पे हैं, तो चलते फिरते किस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं और स्वर को परिवर्तित कर सकते हैं। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि ये तो बिल्कुल बेसिक है कि आपको एक तरफ लेट जाना है और फिर स्वर आपका बदल जाएगा। अगर आपने बिना लेटे ही स्वर को परिवर्तित करना है तो आपको अभ्यास करना होगा। एक बहुत ही साधारण सी उसकी विधि है, तरीका है कि आप अभ्यास करें। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो अभ्यास के बाद सिर्फ आप गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे, उससे भी स्वर बदल जाएगा, और भी थोड़ा ज़्यादा अभ्यास होगा तो सीधा गर्दन को कमर को सीधा रखे हुए जब आप ध्यान करेंगे और एक तरफ के जबड़े को दबाएंगे और ऐसी ही कल्पना करेंगे, सिर्फ ऐसी प्रतिज्ञा करने से, ऐसा संकल्प करने से कि मेरा बाएं स्वर चल जाए, मेरा दाएं स्वर चल जाए, तो उससे भी स्वर परिवर्तित हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए गौरव गायकवाड़ जी ने प्रश्न किया है कि हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें, तो चंद्र स्वर के जागृत रहते हुए ओम का उच्चारण करें और सुषुम्ना के जागृत रहते हुए शवासन का अभ्यास करें। हाई ब्लड प्रेशर में बहुत 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 लाभ होगा, हाई ब्लड प्रेशर में नहीं, सिर के दर्द में भी, माइग्रेन में भी। दोबारा बता देता हूँ, चंद्र स्वर के जागृत रहते हुए ओम का उच्चारण करें और सुषुम्ना के जागृत रहते हुए शवासन का अभ्यास करें। जैसे जैसे अभ्यास आप बढ़ाते जाएंगे आप उस लाभ के गहनता को महसूस करते जाएंगे। हाँ, उत्पल चौधरी जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बहुत अच्छे से ये जान लेना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अगर म्यूजिक की परफॉर्मेंस देनी है
म्यूजिक की परफॉर्मेंस देनी है, और मैंने बताया था स्टेज परफॉर्मेंस के लिए म्यूजिक पे जो है म्यूजिक हो या आर्ट या किसी भी परफॉर्मेंस के लिए सूर्य स्वर चले, सूर्य स्वर जागृत हो वहाँ। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि म्यूजिक के अभ्यास के लिए, संगीत के अभ्यास के लिए चंद्र स्वर जागृत होना चाहिए। तो यहाँ दोनों कॉन्ट्राडिक्टी हो रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या किया जाए जब आप संगीत का प्रदर्शन करने के लिए स्टेज पर जाते हैं? तो यह कॉन्ट्राडिक्टी नहीं है, आप इस बात को समझिए कि जब आप स्टेज पर जा रहे हैं तो आपको सूर्य की शक्ति ही चाहिए, सूर्य का प्रभाव ही चाहिए आपको वहाँ। और आप, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जा रहे हैं संगीत को, तो उससे पहले आपने अनेक वर्षों का अभ्यास किया हुआ है, वो चंद्र के प्रभाव का ही अभ्यास है, उसी के कारण आप मंच पर जाके परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो अभ्यास में तो आप बिल्कुल रत हो गए हैं, लेकिन उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको सूर्य की शक्ति की आवश्यकता होगी। तो जवाब मेरा यही है कि आप भले ही संगीत, पेंटिंग या डिज़ाइन या किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करें, जब आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको सूर्य स्वर से ही लाभ हो पाएगा। हाँ, एक मित्र ने प्रश्न किया है कि एग्ज़ाम के समय कौन सा स्वर प्रभावित हो। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम के समय चंद्र स्वर जागृत हो तो आपको ज़्यादा, आप बुद्धिमानी से, धैर्य से परीक्षा को दे पाएंगे और सफल हो पाएंगे। यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़रूर ही। अगला प्रश्न है कि एक मित्र हैं हमारे नरेश शर्मा जी, उन्होंने कहा है, गुरुजी प्रणाम, 2 महीने से लगातार मेरा सूर्य स्वर लगातार चलता है, बीच में सुषुम्ना चलता है और चंद्र स्वर नहीं चलता, मेरा मार्गदर्शन करें, आपकी महान कृपा। कृपा होगी भगवान शिव की, मैं सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तो यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कई बार कि आपका एक स्वर चलता है, और भी अनेक लोगों ने पूछा है कि सिर्फ सूर्य स्वर चलता है, चंद्र स्वर नहीं चलता, सिर्फ सूर्य स्वर ही चल रहा है, तो ऐसा मैं मेरे ज्ञान के अनुसार, मेरी नॉलेज के अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, ऐसा संभव नहीं है कि एक ही सूर्य स्वर खास तौर से आपका चलता हो ज़्यादा देर के लिए और दूसरा स्वर ना चलता हो। अगर ऐसा होगा तो मृत्यु योग आपका बहुत निकट है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि आप तो जीवित हैं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप मरे तो नहीं हैं अभी। तो ये तो मृत्यु योग के लक्षण हैं, मैंने इस पर अलग से कुछ साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि मृत्यु योग को कैसे पहचाने स्वर योग के माध्यम से, तो उसको आप देख सकते हैं। और बीच बीच में स्वर परिवर्तित होता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जब हम सो रहे होते हैं तो भी अनेक बार स्वर परिवर्तित होता है, इसीलिए तो जब आप सो रहे होते हैं, सपना देखते हैं, एकदम से तुरंत एक झटके से सपना ख़त्म हो जाता है और दूसरा सपना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्वर का परिवर्तन होना होता है वहाँ, स्वर के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तित होती है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक श्याम लाल जी हैं पाकिस्तान से, उन्होंने प्रश्न किया है कि रात को सब सोते हैं तो नींद बहुत देर से आती है, अनेक लोगों की समस्या ये है, तो उसके लिए स्वर योग तो नहीं, लेकिन आपको ध्यान की एक आसान सी क्रिया बता देता हूँ। जब आप सो जाएँ, जब आप लेट जाएँ, बत्ती बुझा दी आपने और बिस्तर पे आप सीधे लेट गए, तब आप पूरी शक्ति को, ध्यान की शक्ति को माथे के बीच में केंद्रित करें और एक सीधी रेखा में, एक ज्योति के माध्यम से इसको, शक्ति को महसूस करें, वह नाभि की ओर जा रही है, और नाभि से दोबारा भूमध्य दृष्टि दोनों आँखों के बीच में आ रही है। इस तरह से एक सीधी रेखा बन जाएगी। आप सोते सोते भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, और जैसे पूरी शक्ति ही आपने मन की इस रेखा पर लगा दी, उस शक्ति के बिंदु पर लगा दी जो कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो रहा है ना,
आप जब पूरी शक्ति इस पे लगा देंगे, शक्ति नाभि पे केंद्रित होगी तो वो दोबारा आँखों के मध्य में आएगी, आँखों के मध्य में आने के बाद दोबारा नीचे की यात्रा शुरू करेगी और नाभि तक जाएगी, फिर दोबारा नाभि पे जाने के बाद आँखों की ओर दोबारा बढ़ेगी। इस तरह से इस ध्यान के अभ्यास को आप करें तो बहुत जल्दी आपको नींद आ जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 से 3 मिनट का समय लगता है। अगर आपने पूरा समर्पित होकर अभ्यास किया और पूरी शक्ति को प्रवाहित कर दिया नाभि और भूमध्य दृष्टि के बीच में, तो बहुत ही जल्दी आप सो जाएंगे और विश्राम को प्राप्त करेंगे। हाँ, कल्पना करके जी हैं, उन्होंने बोला है कि मेरा स्वर हमेशा बंद रहता है, और तो स्वर योग के जो नियम मैंने बताए हैं उनका लाभ बताएं, उनका वो कैसे पालन करेंगी। तो आपको बता दूं मैं, अगर आपका स्वर जागृत नहीं रहता है, एक इच्छित स्वर आपका जागृत नहीं रहता, तो आप योगा अभ्यास करें, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें और प्राणायाम का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे स्वर खुलने लगेगा, स्वर खुल जाएगा। क्या होता है कि हम शारीरिक परिश्रम से दूर होते जा रहे हैं बहुत, और ऐसी कल्पना करते हैं कि हमारा शरीर योगियों की तरह हो जाए, तो वो हो नहीं पाएगा। आपको शारीरिक परिश्रम भी करना पड़ेगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी बना के रखना पड़ेगा, वो कि बहुत ज़रूरी है शारीरिक स्वस्थ रहना। योग अभ्यास करते रहें, प्राणायाम करें, तरह तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग थोड़े से आध्यात्मिक होने लगते हैं, वो कहते हैं अब तो शरीर की जरूरत नहीं है, चाहे शरीर मोटा हो जाए, चाहे पतला हो जाए, चाहे आराम ज़्यादा करें, लेकिन नहीं, आप शरीर को भी एक बच्चे 16 और 17 साल के बच्चे की तरह हमेशा एक्टिव रखें, तभी आप एक स्वस्थ मन को उसमें वास कर पाएंगे। आपको याद होगी ना वो कहानी, जब भगवान शिव पार्वती को कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो उसको भी याद करें कि शरीर ही हमारा साधन है धर्म को सिद्ध करने के लिए। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य को बनाने रखने के लिए जो भी प्रयास करना पड़े, जितना भी हेल्दी खाना खाना पड़े और योगा अभ्यास आदि करना पड़े, तो उसे अवश्य ही करें। हाँ, एक मित्र हैं शिवनिंग जाखंडी, ये शायद स्कूल में टीचर हैं, इन्होंने लिखा है, स्कूल में जब बच्चे झगड़ा करते हैं मैं बच्चों को राइट नोस्टल बंद करके बिठा देता हूँ, बच्चे थोड़ी देर में अक्सर शांत हो जाते हैं। मैंने भी कई बार स्कूलों में जो है सिखाया है बच्चों को, जाता रहता हूँ अभी भी, और यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी सिखाया है, यूनिवर्सिटी के टीचर्स को भी सिखाया है। तो क्या होता है कि जब कितने ही आप सीरियस टीचर क्यों ना हो, कितने ही आप फेमस प्रोफेसर क्यों ना हो यूनिवर्सिटी के, लेकिन जब आप एक क्लास में आते हैं ना, तो आप बच्चे ही बन जाते हैं। ये बात मैंने देखी है, और कितनी ही उम्र हो, चाहे आपकी 50, 55, 60 साल उम्र हो, जब 30-35 लोग मेरे सामने बैठे होते हैं, शायद सबसे कम उम्र का मैं होता हूँ स्टेज पे खड़ा होता हूँ जो, लेकिन तब भी वो बच्चे ही हो जाते हैं, मैंने ये अनुभव किया है। चाहे उनको कितना भी कह लूँ मैं कि बात मत करो, बात मत करो, अब बात नहीं करनी है किसी ने भी, कभी कभी थोड़ा गुस्सा भी दिखाता हूँ, लेकिन वो बात नहीं करते बंद करना। लेकिन उनके लिए सबसे आसान एक टेक्निक है, स्कूल के बच्चों से लेके जो है किसी भी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में मैं जाता हूँ, तो इस टेक्निक को मैं हमेशा ही लागू करता हूँ, और हमेशा 100 में से 100% इसका रिजल्ट आता है। सबको मैं जाते ही कह देता हूँ, दोनों नेत्र बंद कर लीजिए, प्लीज़ क्लोज योर आइज। जैसे ही आँख बंद करने के लिए बोलता हूँ 3 बार, शायद एक बार में आपस में बातें कर रही होती हैं तो सुनाई नहीं देता, तो 3 बार बोलता हूँ, कृपया सभी दोनों नेत्रों को बंद कर लें, कृपया सभी दोनों नेत्रों को बंद कर लें, कृपया सभी दोनों नेत्रों को बंद कर लें। जैसे ही दोनों नेत्र बंद हो जाते हैं, परम शांति का वास हो जाता है। आप भी जो भी स्कूल के शिक्षक हैं मेरे को सुन रहे हैं, आप इस टेक्निक को अपने स्कूल में आप लागू करिएगा, अपनाइएगा, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी आप शिक्षक हैं,
सिर्फ आप यही करिए, आप कभी मत बोलिए बच्चों को, बच्चों चुप हो जाओ, बच्चों चुप हो जाओ, नहीं, योगियों वाला तरीका अपनाइए आप। सिर्फ बोलिए जाके स्टेज पे खड़े होने के बाद, सभी दोनों नेत्रों को बंद कर लें, प्लीज क्लोज योर आईज। जैसे ही आंखें बंद होंगी, आंख बंद होने के बाद तो जवान चल नहीं सकती ना, आंख बंद करने के बाद कोई कैसे बात करेगा। तो बहुत ही प्रभावशाली ये टेक्निक है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।